हाय फ्रेंड्स, इट्स समीर हियर और समीज रिव्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑनर बैंड 5 और मी बैंड 4 को लॉन्च होकर 2 से 3 महीने हो चुके हैं। अभी भी काफी सारे कस्टमर्स परेशान है, कंफ्यूज्ड है कौन सा बैंड इनमें से परचेस करना चाहिए। तो इन दोनों बैंड्स को मैंने 3 महीने के ऊपर यूज किया है और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं लॉन्ग टर्म यूज में कौन से बैंड बेस्ट रहेंगे, आपको परचेस कौन से करने चाहिए, सारे परफॉर्मेंसेस टेस्ट रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे हम। और इसके अलावा दोस्तों, मी बैंड 4 के मैंने कंपैरिजन वीडियोस बनाए हैं ऑनर बैंड 5, सैमसंग फिट ई, एलेट स्मार्ट वॉच और अमेज़फिट बीप लाइट के साथ। अगर आपने उन वीडियोस को देखा नहीं होगा एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो उन सारे वीडियोस की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां से उन्हें चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद वीडियो। सो सबसे पहले दोस्तों, प्राइस की बात करें तो मी बैंड 4 आपको 2299 में मिल जाएगा। और जो सेल्स होते हैं ऑनलाइन फेस्टिवल्स, उसमें अगर आप इसे परचेस करते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का 10% ऑफर होता है, तो ये और 200 रुपये सस्ते में आपको मिल जाएगा। बट इन जनरल इसकी प्राइस 2300 रुपये तक होती है। कंपेयर करें ऑनर बैंड 5 से तो उसकी कीमत 2599 है। ये सेल के दौरान 200 रुपये सस्ता हो जाता है और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑफर आप यूज़ करोगे तो और 200 रुपये सस्ता हो जाएगा। बट दोस्तों, अगर आप सेल को कंसिडर नहीं करते, जो कि सिर्फ 4 से 5 बार आता है ईयरली, तो आपको मी बैंड 4 ऑनर बैंड 5 से 300 रुपये सस्ते में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम इनके बिल्ड क्वालिटी की, तो 3 महीने इन्हें यूज़ कर रहा हूँ मैं दोनों भी डिवाइसेस को, तो आप देख सकते हो सबसे पहले जो है ऑनर बैंड 5, यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिकल टेक्सचर है और ज़्यादा वियर आउट नहीं हुआ है, इट इज़ होल्डिंग अप क्वाइट गुड। इनर साइड भी आप देख सकते हो फिजिकल टेक्सचर उसका काफ़ी प्रोमिनेंट है, वियर ज़्यादा आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं। ये जो मेन कैप्सूल है, इस पर भी आप देख सकते हो ज़्यादा वियर आपको नोटिस नहीं होगा। फ्रंट डिस्प्ले पे आप देख सकते हो कोई भी स्क्रैचेस इस पे आपको दिखाई नहीं देगा, मैंने इस पे कोई भी स्क्रीन गार्ड अप्लाई करके रखा नहीं था, सो आप देख सकते हो इट इज़ होल्डिंग अप क्वाइट गुड। कंपेयर करें मी बैंड 4 से तो आप देख सकते हो इसका स्लैब भी ऑलमोस्ट न्यू की तरह ही लग रहा है, सिग्निफिकेंट वियर आपको यहाँ पर नोटिस भी नहीं होगा, दोनों भी स्लैब्स पर नहीं है। इसका मिडल कैप्सूल भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी कोई वियर आपको नोटिस नहीं होगा। ये 3 महीने के यूज़ के बाद का व्यू है। फ्रंट डिस्प्ले पैनल पे भी दोस्तों आप देख सकते हो आपको कोई भी स्क्रैचेस दिखाई नहीं देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो मी बैंड 4 का ये जो डिज़ाइन है, आपको कैप्सूल निकालना पड़ता है एवरी टाइम यू वांट टू चार्ज, तो आप देख सकते हो ये साइड वाला जो स्ट्रैप का पार्ट है ये थोड़ा लूज हो रहा है, आई हैव नोटिस दैट। बट दोस्तों, जैसे मैंने ऑलरेडी अपने पहले रिव्यूज़ में भी बताया है, इस बार का जो मी बैंड डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया है, सो अभी तक एक भी बार ये जो कैप्सूल है एक्सीडेंटली इस ट्रैप में से निकला नहीं है। सो दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ यूज़, मैं कहूँगा दोनों का आपको सिमिलर मिलता है, बोथ ऑफ देम आर परफॉर्मिंग वेल। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम इनके डिस्प्लेस की, तो आपको सेम रेजोल्यूशन के पैनल्स मिलते हैं, सेम साइज़ के पैनल मिलते हैं, दे आर एग्जैक्टली सेम। इन दोनों का जो क्वालिटी आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ यूज़ सेम है एज दैट ऑफ द न्यू वन, आप देख सकते हो ब्राइटनेस टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है दोनों भी पैनल्स का। आउटडोर विजिबिलिटी दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया मिल रही है दोनों भी पैनल्स में से, कोई भी डिमिंग मैंने नोटिस नहीं किया अभी तक। सो दोस्तों, डिस्प्ले पैनल भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करता है आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ यूज़। बट दोस्तों, आपको डिफरेंस दिखाई देगा वॉच फेसेस में। सबसे पहले आप ऑनर बैंड 5 का देख सकते हो, बेसिकली दोस्तों इसमें आपको काफ़ी कम वॉच फेसेस मिलते हैं, बट जो ट्रिक मैंने बताई है, मैंने उसका लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसकी मदद से आप काफ़ी सारे वॉच फेसेस अनलॉक कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 90 के ऊपर वॉच फेसेस आपको इसमें मिलते हैं विद इन द ऐप इटसेल्फ। और दोस्तों, इसमें थर्ड पार्टी वॉच फेसेस भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, काफ़ी ट्रिकी प्रोसीजर है वो। एंड दोस्तों, काफ़ी लिमिटेड वॉच फेसेस है, फिलहाल अभी सिर्फ 10 से 12 वॉच फेसेस ही उस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो। कंपेयर करें हम मी बैंड 4 से तो आप देख सकते हो इसको आपको स्टार्टिंग से ही काफ़ी सारे वॉच फेसेस विद इन द ऐप मिलते हैं, ये 60 के ऊपर वॉच फेसेस आपको विद इन द ऐप देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप थर्ड पार्टी वॉच फेसेस काफ़ी सारे इंस्टॉल कर सकते हो एंड दे आर कंपेरेटिवली ईजी टू इंस्टॉल एज दैट ऑफ द ऑनर बैंड 5। सो दोस्तों, सम अप करें डिस्प्ले और वॉच फेसेस का, तो ये दोनों भी ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करते हैं वंस अगेन। बट जो ईजनेस है आपको थर्ड पार्टी वॉच फेसेस इंस्टॉल करने में और जो अवेलेबिलिटी है थर्ड पार्टी वॉच फेसेस का, उसकी वजह से मी बैंड 4 यहाँ पर थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता है ऑनर बैंड 5 को। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें कनेक्टिविटी का, तो मी बैंड 4 में आपको ब्लूटूथ 5 का वर्जन मिलता है, ऑनर बैंड 5 में आपको ब्लूटूथ 4.2 वर्जन मिलता है, तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पर ऑन पेपर दिखाई देगा। बट 3 महीने दोस्तों इन दोनों बैंड्स को यूज़ कर रहा हूँ मैं कंटिन्यूसली अपने फ़ोन से कनेक्ट करके रख के, तो दोस्तों प्रैक्टिकली आपको कोई भी डिफरेंस इन दोनों में दिखाई नहीं देगा, दोनों भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर आपको नोटिफिकेशन अलर्ट्स देते हैं, कॉल अलर्ट्स भी आपको सेम टाइम पर मिलता है। सो दोस्तों, कनेक्टिविटी के फैक्टर में भी दोनों भी ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वर्कआउट मोड की अगर हम बात करें, तो मी बैंड 4 में आपको 6 वर्कआउट मोड्स मिलते हैं, बेसिक वर्कआउट मोड्स जो आप नॉर्मल यूजर्स यूज़ कर सकते हो वो सारे हैं इसमें। वही हम कंपेयर करें ऑनर बैंड 5 से तो आपको 9 वर्कआउट मोड्स मिलते हैं, बेसिक तो है साथ ही में और 2-3 एक्स्ट्रा मोड्स भी हैं।
दोस्तों 3 महीने के यूज़ में मैंने देखा है कि मैं पर्सनली सिर्फ 2 से 3 वर्कआउट मोड ही यूज़ कर रहा था दोनों भी बैंड्स में। सो जो एक्स्ट्रा वर्कआउट मोड है वो मेरे पर्सनल किसी काम के नहीं थे, बट अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करते हो तो आप उन वर्कआउट मोड्स को यूज़ कर सकते हो। सो ऑनर बैंड 5 में आपको एक्स्ट्रा मोड्स मिलते हैं, सो यू गेट बेटर ट्रैकिंग इन दैट। नेक्स्ट दोस्तों इसी में हम बात करें पेडोमीटर की, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वर्कआउट मोड। तो दोस्तों 3 महीने के यूज़ में मैंने देखा है अगर आप एक्सरसाइज मोड ऑन करते हो दोनों भी बैंड्स को एक ही हाथ में पहनते हो तो ये आपको एक्जैक्टली सेम रीडिंग देगा, आपको कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। बट अगर दोस्तों आप इसे जनरल ट्रैकिंग के लिए लेते हो डे टू डे तो यहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंस दिखाई देगा दोनों भी बैंड्स में। फॉल्स ट्रैकिंग जो है दोनों भी बैंड करते हैं, अगर आप बस में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो किसी व्हीकल में तो भी ये रीडिंग्स काउंट करेंगे। बट इन स्पेसिफिक अगर आप एक्सरसाइज इसमें ऑन करते हो किसी मोड को तो ये दोनों भी बैंड्स आपको एग्जैक्ट सेम रीडिंग ही देंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे हार्ट रेट सेंसर की। दोनों में भी आपको ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर मिलता है, दोनों में भी मैनुअल और 24 हार्ट रेट सेंसिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। मैनुअली आप देखोगे तो मी बैंड 4 का जो हार्ट रेट डिटेक्शन है स्लाइटली स्लो है ऑनर बैंड 5 के कंपैरिजन में, बट 24 हार्ट रेट जो मोड है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ट्विकिंग के ऑप्शंस मिलते हैं मी बैंड 4 में। ऑनर बैंड 5 में आपको कोई ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे जो कि फ्रीक्वेंसीज के एडजस्ट करने की बात होती है। बट दोस्तों इसमें आपको एक अलग ऑप्शन मिलता है ऑनर बैंड 5 में, आपको स्मार्ट ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है। सो ये बैंड जो है फिजिकल एक्टिविटी आपका डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है अगर आपने इस वॉच को पहने रखा है या नहीं, और तभी ही ये हार्ट रेट सेंसर ऑन करता है। दिस सेव्स द बैटरी, ये एक अलग फीचर आपको मिलता है जो कि काफ़ी यूजफुल है कंपेयर टू द मी बैंड 4। और दोस्तों एक्यूरेसी की बात करें तो ये काफ़ी एक्यूरेट है, 95% एक्यूरेट है, मैंने इन्हें अपने मेडिकल अपरेटस से कंपेयर किया है। सो दोस्तों हार्ट रेट सेक्शन में भी ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करते हैं आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ यूजेस, कोई भी डिफरेंस यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दिया है। नेक्स्ट इज द स्लिप ट्रैकिंग, यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी डिफरेंस दिखाई देगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्टिंक्शन आपको दिखाई देगा दैट इज स्लिप ट्रैकर जो है ऑनर बैंड 5 में आपको डे टाइम स्लिप ट्रैक करने का भी ऑप्शन मिलता है जो कि मी बैंड 4 में नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स दोस्तों मैंने नोटिस किया है ऑनर बैंड 5 का जो स्लिप ट्रैकर है दैट इज मच मोर एक्यूरेट कंपेयर टू द मी बैंड 4। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये जो 2 रिजल्ट्स है। Honor Band 5 को मैंने अपने Samsung Galaxy Watch से भी कंपेयर किया है, दोनों भी सेम रीडिंग देते हैं बट Mi Band 4 के रीडिंग्स जो है कुछ मिनट से डिफर करते हैं। सो मैंने ये कंक्लूजन लगाया दोस्तों कि Mi Band 4 का जो स्लिप ट्रैकर है दैट इज नॉट दैट एक्यूरेट कंपेयर टू द Honor Band 5। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट सेक्शन है बैटरी बैकअप का। बिफोर आई गेट इनटू दैट आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा 3 महीने हो चुके हैं दोस्तों मैंने काफ़ी दफ़ा इन दोनों बैंड्स को चार्ज कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ऑनर बैंड का चार्जर, दिस इज परफेक्टली फाइन, ये परफेक्टली फिट होता है यहाँ पर और रिमूव होता है, इट होल्ड्स अप क्वाइट वेल। वही कंपेयर करें हम मी बैंड 4 के चार्जर को तो ये जो चार्जर है दोस्तों यहाँ से थोड़ा एक्सपांड हो गया था ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पर जो कैप्सूल यूनिट है वो प्रॉपरली फिट नहीं होता था। इसे फिक्स करने के लिए दोस्तों मैंने इन्हें सेलो टेप से रैप किया काफ़ी टाइटली और 4 दिनों तक मैंने इसे ऐसे ही रखा, तभी जाकर आप देख सकते हो ये फिर से अपने नॉर्मल शेप में आ चुका है। सो ये एक ड्रॉबैक है, आई डोंट थिंक सबको नोटिस हुआ होगा बट दिस इज़ वॉट आई हैव नोटिस इन माई 3 मंथ्स ऑफ यूजेस। उसके बाद दोस्तों बैटरी बैकअप की बात करें तो अगर आप इन्हें काफ़ी हैवीली यूज़ करते हो, स्लिप ट्रैकिंग जो है ट्रू स्लिप ऑलवेज ऑन है आपका, 24/7 हार्ट रेट ऑन है, इन्हें आप एक्सरसाइज में ट्रैक कर रहे हो, ब्लूटूथ ऑन है, तो मी बैंड 4 आपको मैक्सिमम 10 से 12 दिनों तक का बैटरी बैकअप देगा। वही कंपेयर करें आप ऑनर बैंड 5 को तो आपको ये 4 से 5 दिनों तक का ही बैटरी बैकअप मैक्सिमम मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आप इन्हें नॉर्मली यूज़ करते हो, ट्रू स्लिप इसका ऑफ करते हो, हार्ट रेट सेंसिंग है वो कभी कभी करते हो नॉट 24/7, और दोस्तों इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखते हो आप तो मी बैंड 4 आपको 15 दिनों के ऊपर बैटरी बैकअप इजीली दे देगा। वही कंपेयर करें हम ऑनर बैंड को तो ये आपको 7 से 8 दिनों तक का बैटरी बैकअप ही दे देगा। सो दोस्तों ओवरऑल बैटरी बैकअप जो है ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इन दोनों का भी डिप्लीट नहीं हुआ है, सेम रिजल्ट अभी भी मिल रहे एज ऑफ द डे 1। बट दोस्तों इन दोनों को कंपेयर करें तो मी बैंड 4 सर्टनली ऑनर बैंड 5 से ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको देता है। एंड द लास्ट सेक्शन इज द एक्स्ट्रास। तो दोस्तों म्यूजिक प्लेयर आपको दोनों भी वॉच में मिल रहा है तो इसे मैं कंपेयर नहीं करने वाला, दोनों भी ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करते हैं। जो अलग चीज़ आपको मिलती है ऑनर बैंड 5 में आपको ब्लड ऑक्सीजन सेंसर मिलता है जो मी बैंड 4 में नहीं है, और वही हम कंपेयर करें मी बैंड 4 से तो इसमें आपको लॉक स्क्रीन का फीचर मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिना लॉक स्क्रीन पर पासवर्ड डाले आप इसे ओपन नहीं कर सकते। सो ये थे एक एक फीचर दोनों भी बैंड में यूनिक आपको मिलते हैं।
सो दोस्तों आपने देखा ये था इन दोनों बैंड्स का कंपैरिजन। आपने देखा 3 महीनों के बाद अगर आप इसे यूज करते हो तो इस तरीके के रिजल्ट्स आपको इन दोनों बैंड्स में से मिलेंगे। आई वुड कंक्लूड गाइस, मी बैंड 4 जो काफी बढ़िया परफॉर्म करता है इन कंपैरिजन ऑफ ऑनर बैंड 5। आपको एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है, बट बाकी जो फीचर्स हैं जैसे कि बैटरी, वॉच फेसेस एक्सेट्रा, वो काफी ज्यादा मिलते हैं मी बैंड 4 में। सो आई वुड से अगर आपको एक बैंड परचेस करना है इन दोनों में से तो मी बैंड 4 के साथ ही जाइए। सो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड किए गए सारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।